भगवान सक्षम बनाया हो तो मंदिर अलग रखना चाहिए। जो परिवार के देव हों, इष्ट हों, मंदिर जरूर रखना चाहिए। मंदिर तो बनवाना ही चाहिए, जैसे घर बनवाते हैं वैसे भगवान का भी घर बनना चाहिए। अपने घर का नाम है घर, अब भगवान के घर का नाम है मंदिर। कई वेदांती लोग अपनी बात रखते हैं, अरे मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता है, अरे रोज भोजन करने की क्या आवश्यकता है, सुबह दोपहर शाम। जानते हो आप, भूख मौत से बड़ी, भूख मौत से बड़ी, रात को खाओ सवेरे सामने खड़ी। इसलिए भगवान ने सक्षम किया है तो मंदिर तो बनवाना ही चाहिए। चाहे शिव मंदिर बनवाइए, चाहे श्री हरि मंदिर बनवाइए, चाहे श्री सीताराम जी का मंदिर बनवाइए, या राधे श्याम जी का बनवाइए, अथवा श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर बनवाइए, आदिशक्ति जग जननी का बनवाइए। क्या होगा पैसा, और गांव में बनवाइए तो अहंकार से इतना बनवाइए, 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 500 रुपया सबका लगवाइए, जिससे सब लोग जाकर के महसूस करें मंदिर में हमारा भी सहयोग है। अकेले जो बनवा देते हैं उन मंदिर में कोई जाता ही नहीं, बंद रहता है, ताला चाबी लगा रहता है, कहे कोई खोल न ले, कोई ले न जाए। सबका अंश होना चाहिए, कोई भी भगवत कार्य हो उसमें सबकी आहुति पड़नी चाहिए, अभिमान पूर्वक नहीं, सहजता पूर्वक। सबको जिसकी जो क्षमता हो करो भाई, जो कम पड़ेगा ठाकुर जी देखेंगे। मंदिर अनिवार्य। विभीषण जी का हरि मंदिर तो भिन्न बना, हनुमान जी महाराज रामायुधयंकित गृह शोभा बरनि न जा, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरष गंभीर। हनुमान जी सोचने लगे लंका में ये सज्जन कहां से, यही सन हट कर यूं पहचानी, मैंने बीच में सुनाया था आपको। हनुमान जी ने पहचान बनाया और विभीषण जी हनुमान जी की बड़ी सुंदर मैत्री स्थापित हुई है। यहाँ हनुमान जी महाराज विभीषण जी को बहुत स्नेह पूर्वक समझाते हैं, आप राम काज तो करते हैं, राम नाम भी जपते रहते हैं, परंतु राम काज जैसा करना है वैसा नहीं करते, क्या करूं, लंका में कौन सा कार्य करूं। बोले बड़े भाई को समझाइए, वो माता जी को प्रभु के पास पहुँचा दे। अरे हनुमान जी क्या कहते हैं, हमारे बड़े भाई साहब किसी की सुनते ही नहीं है, केवल अपनी सुनता है। अरे भाई सुने चाहे न सुने, आप अपनी बतिया तो रखो। और हनुमान जी ने जगा दिया विभीषण जी को, अपनी बतिया रखो। और बतिया रखते ही हनुमान जी महाराज वाली और विभीषण जी को रावण ने मारा 3 लात। तो विभीषण जी को मारा 3 लात तो विभीषण जी भगवान की शरण में चले गए। काहे, रावण ने कहा था मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय ते नहीं कहू नीति। हम सामान्य मानवी नहीं है, हम असुर हैं, हमारी अपनी विधि है, हमारा अपना संविधान है। हमारा संविधान ये कहता है जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला, हम उसका पालन करते हैं। हम असुर है, हम नर नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है। अब आप सामान्य व्यवहार करते हो तो जाओ वही नीति बताओ, तुम्हारी बात उनको अच्छी लगेगी, इतना सुनो। देखिए सबको सबकी बात अच्छी नहीं लगती है, जिसको अच्छी लगे उसी से कोई सैद्धांतिक धर्मशीलता की बात करनी चाहिए, जिसको उत्पात लगे उसको उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, वरना क्या लात खाने की जरूरत है। हर व्यक्ति से हर प्रकार की बात ना हो, ये भी बड़ा विवेक है कि हमको किससे क्या कहना है, हमारी बात उनके समझ में आवेगी कि नहीं आवेगी। आवेगी, समझ में आए तो कहिए, नहीं तो मौन रहिए। हमारे पूज्य पिताजी कहते थे चुपचाप रहिए, राम राम कहिए, ज्यादा किसी को समझाओ नहीं। क्यों, आप समझाओगे उससे पहले सामने वाला समझ चुका है, जो समझ गया है उसको कैसे समझाते हो। आनंद में रहो, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए।
किसी को विरोध ना दीजिए ना लीजिए। विभीषण जी ने ऐसा समझाया, हनुमान जी को वहां का दर्शन मिला, अब दर्शन मिला प्रभु का संदेश हनुमान जी ने सुनाया है। माता जी गदगद हो गई साहब, आशीर्वाद दिया माने दर्शन पा करके, किसका? अधो सुपुत्र का अपने। अरे है कभी सब है सुत कभी सब तुम्हें समाना, जात भान अति भट बलवाना। मेरे मन में संदेह हो रहा है, हनुमान जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया। जय श्री राम। कनक भूधरा का शरीरा समर भयंकर जगल मेरा, सीता मन भरो सब भयो पुनि रघुरु। सुन माता शाखा मृग प्रभु प्रताप दे गरुण ही खाई पर। ये मुक्ति सुनकर मेरी माँ आशीष देने पर प्रभु कृपा करे। सुनते ही हनुमान जी नृत्य करने लगे। माँ आपका आशीर्वाद अमोघ है, आशीष तव अमोघ विख्याता। मैं सुनकर कृत कृत्य हुआ, धन्य धन्य हो गया माँ। क्यों? माँ ने हनुमान जी महाराज को संबंध दिया, आशीष दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। यही यह बर दीन जान की माता, असबर दीन है ना जी, असबर दीन। हनुमान जी बड़े आनंद में है, फल देखे तो बोले माँ आपका आशीर्वाद आज्ञा हो तो मैं थोड़ा फल खा लूं, भूख लगी है। माँ बोली नहीं नहीं लाला, यहाँ सब रखवाले बड़े उत्पाती हैं, आपको चोट मारेंगे, हमको कष्ट होगा। अब आप आ गए, हमारा संदेशा ले जाकर प्रभु को दीजिए, एक माह में नहीं आया तो मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी महाराज बोले माँ इनका कोई भय नहीं है, आप बस प्रसन्न रहिए तो मैं खा लूंगा। देख बुद्धि पल निपुण कपि कहे हो जान की, रघुपति चरण हृदय धरि पार्थ मधुर फल खा। Thank you.